हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम देखते हैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये भी 1 नवंबर 1956 को बना था ड्यूरिंग स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। ये भोपाल डिवीजन में आता है। इसमें 12 तहसील देखने को मिलती है जो विदिशा से आने वाले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए। पहले विदिशा अर्बन, विदिशा रूरल, गंजबासोदा। गंजबासोदा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी देखने को मिलता है हमें, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। ग्यारसपुर, कुरवई, लटेरी, नातेरन, सिरोंज, गुलाबगंज, पठारी, शामशाबाद एंड त्योंडा। दीज वर 12 तहसील। ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि रामायण में राम भगवान के जो भाई थे शत्रुघ्न, उनके बेटे शत्रुघाती ने यहाँ पर रूल किया है। उसके अलावा ये शुंगा डायनेस्टी की भी कैपिटल रही है। अशोक यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे, सम्राट अशोक, और उन्होंने शादी की थी यहाँ पर महादेवी से, और इन दोनों के बच्चे ही हुए थे संगमित्रा एंड महेंद्र, जिनको श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए। अब हम देखते हैं कल्चर एंड टूरिज्म। विदिशा का कल्चर हेरिटेज काफ़ी रिच है। आफ्टर धार ये बहुत फेमस है ये सब। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है उदयगिरी केव। ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर बनाई गई थी एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केव नंबर 5, जहाँ पर हमें वराह का स्कल्पचर मिलता है जो भगवान विष्णु के एक अवतार थे। उसके अलावा इस केव में हमें हिंदू और साथ में जैनिज्म के भी बारे में जानकारी मिलती है। देन नीलकंठेश्वर टेम्पल, ये परमार राजा उदय आदित्य ने बनवाया था। देन हिंडोल तोरण, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चौखंबा, क्योंकि यहाँ पर चारों दिशाओं में भगवान विष्णु के अवतार बने हुए हैं। उसके अलावा माला देवी टेम्पल, ये ग्यारसपुर तहसील में आता है। बीजा मंडल, इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं या विजय मंदिर भी कहते हैं, और हमें एक अरब राइटर अल बरूनी के टेक्स्ट में भी इस बीजा मंडल के बारे में जानकारी मिलती है। देन गरुण पिलर, ये बहुत फेमस है, ये आप लोगों को पता होगा हीलियोडोरस से बनाया था भागवतिज्म के लिए, और इसे खाम बाबा भी कहा जाता है। कुछ अन्य जानकारी देखें तो हमें देखने को मिलता है कि पुराणों में विदिशा को भद्रावती बताया गया है, भद्रावती और भद्रावती पुरम। वहीं जैन टेक्स्ट जो हैं वो इसको बताते हैं बद्दिलपुर। देन मेडाइवल में विदिशा को जाना जाता था भेले स्वामी या भेलसा नाम से। फिर जब ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पर आया तब उन्होंने इसको भेलसा नाम दिया। फिर जनता की मांग पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में इसका नाम बदलकर फिर से विदिशा कर दिया। देन इसके अलावा यहाँ पर जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का भी जन्मस्थल है, जो कि याद रखिएगा ही वॉज ए जैन तीर्थंकर शीतलनाथ। इनके अलावा कैलाश सत्यार्थी को यहाँ से शांति पुरस्कार दिया गया। इनका एक बचपन बचाओ आंदोलन चलता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर प्रपोज है इंडिया का हाईएस्ट जैन टेम्पल संवशरण, ये भी प्रपोज्ड है। ओके, जब भी बनेगा आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट विदिशा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।